अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर डे इन महाबलेश्वर। तो आज हम फोर्ट्स घूमने आए हैं। यस गाइस, सही सुना आपने, जैसे कि आज हमारा दूसरा दिन है महाबलेश्वर में, तो आज मैं निकल पड़ी हूँ अपने मंडली के साथ प्रतापगढ़ फोर्ट घूमने के लिए, जो कि महाबलेश्वर का सबसे फेमस स्पॉट है। ये किला ट्रैकिंग के लिए बेस्ट किला है और इस किले की जो भी जानकारी मैंने रिसर्च की है वो मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फिलहाल मेरे साथ गाड़ी में है जया, नम्रता और आंटी। तो चलिए हम फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं हम महाबलेश्वर में रुके हुए हैं, तो ये जो फोर्ट है वो महाबलेश्वर से कुछ 21 से 22 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए आपको कुछ गाड़ी वाड़ी ही करवानी ही पड़ेगी। महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ फोर्ट जाने के लिए ये एक घाट है बीच में, एक्चुअली ये एक रास्ता है जो सीधा सीधा आपको प्रतापगढ़ तक ही पहुँचाएगा। इस घाट का नाम है अम्बेवाली घाट। यहाँ पे भी एक अंदर छोटा सा गांव टाइप है घूमने के लिए, पर हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हमने फिलहाल ये स्किप किया और हम निकल पड़े आगे की ओर। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगी ही कि अगर आप महाबलेश्वर में हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। हमारे पास तो टाइम नहीं है, दिखने में ये बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो आई कैन बेट यू ये अंदर से भी उतना सुंदर होगा। तो यहाँ पे अंदर एंट्री पर पर्सन कुछ 100 रुपीज़ है। फिर फटाफट से पार्किंग एरिया से चलते चलते हम आ गए हैं मेन पॉइंट तक। यहाँ से मेन चढ़ाई चालू होगी। खाना वाना तो हम अपने रिजॉर्ट से पेट भर खा कर ही आए थे, फिर भी इन सब की शक्लें देखो, फिलहाल खुश हैं, आगे देखते हैं। चलो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय माता दी। तो हमने प्रतापगढ़ फोर्ट की चढ़ाई चालू कर दी है। बारिश, क्या बोल रही है? इधर बोल। बहुत वॉक है यहाँ पे, आए तो थोड़ा एक्सरसाइज करके आए थे, जैसे हमको आदत नहीं है। हमने 1.5 महीने पहले से सोचा था हम वॉक करेंगे, कुछ नहीं किया, एक दिन भी नहीं गए। तो भाई सिर्फ पार्किंग से हम यहाँ तक आए और हमें आके पता चला, अरे 400 सीढ़ियाँ जो हमें चाहिए। चल लेगी बहन, मैं तो सोच रही हूँ अभी गिव अप कर लूँ, पर नहीं नहीं चल जाएगी चल जाएगी। तो गाइस 450 भी नहीं 470 सीढ़ीज हैं ये जो हमें चढ़नी है। तो चढ़ते हम आ गए ये प्रतापगढ़ का मेन एंट्रेंस, जिधर एक क्यूट से कपल, ओल्ड कपल फोटोज ले रहे थे, हमने उनको थोड़ा पोज वोज बताया और फिर हम निकल पड़े आगे की तरफ। गाइस आप लोग को पता है जितना मैं इस जगह के बारे में पढ़ के आई थी, ये जगह उससे कई ज़्यादा सुंदर और हिस्टोरिकल है। तो मैं आपको बताती हूँ इस जगह की हिस्ट्री। कहा जाता है मीरा और कोयना नदी की रक्षा के लिए मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ ये किला 1656 में बनवाया था। और इस किले की ऊंचाई 1081 मीटर है। इस किले की आसपास की खाई कम से कम 200 से लेकर 250 फीट तक गहरी है। और कहा जाता है शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से विशालकाय अफजल खान को 1659 में ढेर किया था। और अभी हम उसी जगह जा रहे हैं जहां शिवाजी महाराज ने अफजल खान को ढेर किया था, वो सामने, उस जगह का नाम है माली किला जो सामने। तो गाइस दिस वाज द माली किला जहाँ शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मौत के घाट, सब यहाँ उनके नारे लगाते हुए ही दिखेंगे आपको। जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव। और इन सब का ये जोश ये जज्बा देख के हम सब भी एकदम जोश में आ गए और हम भी नारे लगाने लगे। जो बोले सो निहार।
बस नारेबाजी करते हुए हम और चलते गए और हम और आ गए और हमने ये सुंदर सा स्पॉट देखा। ये बारिश के मौसम में इतना सही दिख रहा था ना, इतना सही मैं बता नहीं सकती। और गाइस आप इसकी ऊंचाई देखिए, ये जो गाड़ियां खड़ी है वही पार्किंग स्पॉट है जहां से हम आए थे। और गाइस थोड़ा आगे चलने के बाद हम जा पहुंचते हैं भवानी माता के मंदिर में। शिवाजी महाराज बहुत बड़े भक्त है भवानी माता। और वहीं पास में चलते एक और ये मंदिर था, केदारेश्वर मंदिर। ये भगवान शिव जी का मंदिर है और ये मंदिर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में चंद्रराव मोरे द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है ये मंदिर महाबलेश्वर पहाड़ियों का नाम भगवान महाबली के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम शक्ति का प्रतीक है। तो गाइज इतने अच्छे अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ और इतनी अमेजिंग मेमोरीज के साथ हम जा रहे हैं नीचे की ओर। नीचे आते ही एज यूजुअल सबसे पहला काम खाना। तो आपको नीचे वो पार्किंग थी जहाँ पे वहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ये होटल टाइप्स मिल जाएंगे जहाँ आप चिल कर सकते हो, खा सकते हो। मुझे तो ये लस्सी पीनी थी तो मैंने लस्सी पी, बाकी इन्होंने भजिए वगैरह खाए और हम सारे निकल पड़े रिजॉर्ट के लिए वापस। सुमन, सुमन, और सुमन। बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर ये यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। रुकते भी क्यों ना भाई, इतना अच्छा मौसम था, बारिश था, झरना था, तो फोटोज तो बनती है। चलो बहुत हो गई, वापस चलो। तो इतना घूमने के बाद हम फिर से रिजॉर्ट आ गए। अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम कहीं और घूमने फिर जाएंगे।